दोस्तों वीडियो में बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज इसका मतलब जो आईपीओ था वो लिस्ट हुआ था। अब यहाँ पे लिस्टिंग के बाद दोस्तों लोग कंफ्यूज है कि भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे मार्केट में स्टॉक लिस्ट होते हैं तो जैसा कि दोस्तों हम अभी के टाइम देखें कि जो लिस्टिंग गेन है ना भाई वो कुछ भी नहीं मिला। लिस्टिंग गेन के बाद स्टॉक ने जो रिकवरी करी है, जो तेजी दिखाई है, ऑलराउंड 20% का अपर सर्किट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब देखो अपर सर्किट तो क्रिएट हो चुका है, बट अपर सर्किट इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि मार्केट में एक अच्छा बाउंस था। मार्केट अगर आज दोस्तों वोलेटिलिटी वाला रहता तो हमें जो ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक है इसमें हमें गिरावट देखने को मिलती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ चीजें समझनी है। देखो कई लोग अभी के टाइम ओला इलेक्ट्रिक को लेकर लॉन्ग टर्म बेसिस का नजरिया रख रहे हैं, बिल्कुल आप रख सकते हो, बट उससे पहले आप कुछ चीजें यहाँ से जान लो कि ओला इलेक्ट्रिक करती क्या है एंड क्या लॉन्ग टर्म स्टॉक आगे हमें और तेजी दिखाएगा। क्योंकि स्टॉक में क्या होता है कि जो भी कोई भी कंपनी होती है ना, अगर उसका बिजनेस आगे ग्रोथफुल रहता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो डेफिनेटली आगे स्टॉक में हमें और ग्रोथ दिखेगी, कंपनी का मार्केट क्या फिर से बढ़ेगा। एंड जिस प्रकार आज कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, कंपनी की वैल्यूएशन अगर देखोगे तो भाई 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, जो कि स्टॉक अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखें भाई लिस्ट होते आप देखोगे, क्योंकि लिस्टिंग गेन अच्छा नहीं मिला तो लोगों ने थोड़ा सा जो लोगों का रिस्पॉन्स था भाई वो नेगेटिव रहा, लोगों ने दबा के सेल किया। ऑलराउंड दोस्तों यहाँ पे 52,51,00,000 की बड़ी वॉल्यूम हमें नजर आई। अब इसमें से अगर हम देखें, चलो भाई इस मार्केट में लोगों ने खरीदा, लोगों ने बेचा, तो खरीदने वालों का व्यू क्या था, कितना रिस्पॉन्ड पॉजिटिव देखने को मिला मार्केट में। और अगर देखा जाए भाई तो 52,51,00,000 में से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 21-22 करोड़ शेयर ऐसे थे जो हमें डिलीवरी में जाते हुए नजर आए, जिसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर बता दूं मैं तो टोटल आज के जो ट्रांजेक्शन थे दोस्तों वॉल्यूम है वो हमें देखने को मिले हैं ऑलमोस्ट 4,426 करोड़ के, जिसमें से अगर देखें तो भाई कम से कम यहाँ पे 2,000 करोड़ का मान के चलो 2,000 करोड़ रुपये के शेयर आज हमें यहाँ पे डिलीवरी मतलब यहाँ पे उठाते हुए नजर आए। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि कंपनी फंड किस लिए जुटा रही है, ये भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। एंड अभी के टाइम कल के लिए एक अच्छा संकेत है, करंटली जो एमओ है उसके अंदर 1,45,00,000 शेयर अभी के टाइम बाइंग ऑर्डर में, तो कल गैप अप ओपनिंग नजर आ सकती है और एन स्टॉक कल हमें अगेन फिर तेजी में देखने को मिल सकता है 65% की। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग किस रेंज में करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे पहले आप समझो कि करंटली स्टॉक अगर आप यहाँ पे डाटा देखोगे आज का, तो सुबह नॉर्मली फ्लैट कारोबार था, स्टॉक नॉर्मली ओपन हुआ, उसके बाद हमें यहाँ पे जिस प्रकार भाई लोगों को लगा कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए क्योंकि ज्यादा स्टॉक में रेंज नहीं आई है, ज्यादा तेजी नहीं आई है, तो आगे स्टॉक हमें तेजी दिखाता हुआ नजर आया। एंड जैसे लोगों की खरीदारी बढ़ी तो आप देख लो स्टॉक में अपर सर्किट मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ी तो अपर सर्किट स्टॉक में लग गया। देखिए दोस्तों कंपनी ने चलो फंड तो यहाँ पे एक मतलब इकट्ठा कर लिया, पर मार्केट में आईपीओ को जो रिस्पॉन्ड मिला ना भाई वो कुछ ठीक नहीं था। क्यूआईबी की तरफ से भी कुछ अच्छा नहीं था, रिटेल की तरफ से ठीक ठाक था, बट बड़े फेले ने ज्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं दिया। अब यहाँ पे समझो आईपीओ का इस्तेमाल कंपनी कैसे कर रही है, देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए कंपनी ने खुद बताया कि आईपीओ के जरिए जुटाई राशि का इस्तेमाल यहाँ पे गीगा फैक्ट्री के अकॉर्डिंग कंपनी इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलप जो यूनिट पर भी खर्चा करेगी। एंड इसी के साथ भाई कंपनी अपना जो ओला इलेक्ट्रिक का हेड ऑफिस जो यहाँ पे बेंगलुरु में है, ओला इलेक्ट्रिक की शुरुआत जहाँ से हुई 2017 में हुई थी, इस कंपनी को भाविस अग्रवाल ने शुरू किया था। कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी का जो पैक मोटर और वाहन जो फेम है जैसे इक्विपमेंट्स यहाँ पे तैयार करती है बनाती है। एंड ओला इलेक्ट्रिक फ्यूचर फैक्ट्री भी यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। माना जा रहा है कि कंपनी 15 अगस्त 2024 की जो ये 15 अगस्त आ रही है पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी। इसके अलावा कंपनी जल्द ही मार्केट में 3-व्हीलर भी लाने वाली है। ओला ने कहा है कि अगले 6 महीने में इलेक्ट्रिक ऑटो कंपनी लॉन्च कर देगी। अब यहाँ पे समझो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है ना भाई, जो रेवेन्यू जो कंपनी यहाँ पे सेल्स वगैरह करती है आता कहाँ से, कंपनी क्या करती है इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर है उसका क्या करती है, जो पार्ट्स होते हैं वो बनाते हैं, बैटरी वगैरह बनाते हैं। 75% यहाँ पे अफ्रीका वगैरह में यहाँ पे निर्यात करती है, वहाँ से दोस्तों रेवेन्यू कंपनी का आता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है या नहीं, अगर ईवी सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें इंडिया के अंदर तो आगे दोस्तों हमें अच्छी चीज़ें नजर आ सकती है। कंपनी बाइक भी लॉन्च कर रही है तो लॉन्ग टर्म बेसिस मेरे हिसाब से ग्रोथ बेटर है, क्योंकि ईवी में कंपनी काम कर रही है। ईवी आगे जाके अगर सक्सेसफुल होता है तो कंपनी को बहुत बढ़िया यहाँ पे मुनाफा होता हुआ नजर आएगा।
अब कई लोगों को मिला भी होगा, बट टोटल अगर बताऊँ मैं कंपनी के लॉन्ग टर्म बेसिस कर्जा वगैरह, तो यहाँ पे अगर आप 31 मार्च तक देखोगे कंपनी का कर्जा तो 2300 करोड़ का कर्जा है। बाकी अगर कर्जे की बात करूँ कंटिन्यू बढ़ रहा है, रिजर्व अगर कंपनी का देखा जाए लगातार कम हो रहा है जो कि नेगेटिव है। नेटवर्क कंपनी की कंटिन्यू यहाँ पे स्टेबल मतलब ज्यादा घट भी नहीं है, बट यहाँ से अगर यहाँ तक देखें थोड़ी बहुत घट रही है। ये मार्च का, ये 23 मार्च का ईयर टू ईयर का कंपेरिजन है। अब यहाँ पे अगर मैं एसेट्स की बात करूँ कंपनी के एसेट्स लगातार ग्रो कर रहे हैं जो कि बेटर है। रेवेन्यू कंपनी का अगर देखा जाए तो लगातार ग्रो कर रहा है, ये भी बेटर है। कंपनी का प्रॉफिट बाय टाइम कंपनी माइनस चल रही है ऑलमोस्ट देखा जाए 31 मार्च तक 2024 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 1584 करोड़ का लूज किया है। तो कहीं तो लॉस मेकिंग कंपनी भी के टाइम बनेगा, आगे जाके कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन सकती है, ये अभी के टाइम की एनालिसिस है। चैनल पे देखो लॉन्ग टर्म बेसिस आप बिल्कुल रख सकते हो क्योंकि आगे जाके स्टॉक का प्राइस तो बढ़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ग्रोथ कंपनी की बेटर है, आगे जाके हमें अच्छा करते भी नजर आएगी। तो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक कर लो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको